नमस्कार, आज हम लोग बात कर रहे हैं बिहार की और बिहार की शिक्षा व्यवस्था की। शिक्षा व्यवस्था की बात इसलिए क्योंकि बिहार में ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आमतौर पर बातें होती ही नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्हें भगवान श्री राम और रामचरित मानस पर बयान देना ज्यादा पसंद है। ज्यादा पसंद क्यों है, इसके पीछे कारण भी बहुत साधारण से है। शिक्षा व्यवस्था पर अगर बात की जाए तो शिक्षा व्यवस्था और सरकार की पोल ऐसी खुल जाएगी जिसे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मंत्री जी के लिए अपना पद बचाना भी अगर बहुत मुश्किल मंत्री जी के लिए अपना पद बचाना भी मुश्किल पड़ जाएगा। और अगर ये बातें हुई और पब्लिक डोमेन में हुई तो समस्याएं बड़ी होंगी। तो भाई, इन समस्याओं पर बात न की जाए, जान बचाई जाए, इसके लिए सबसे जरूरी यह है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर बात ही ना की जाए। अब बिहार के छात्रों के बारे में आपको पता होगा कि बिहार के छात्रों को गणित जैसे विषयों में अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहां के कई छात्र कड़ी प्रतिस्पर्धा पार करके इंजीनियरिंग की दुनिया की शायद सबसे कठिन प्रतियोगिता परीक्षा पास कर जाते हैं। ये सीधे तौर पर उनकी मेहनत और उनके परिवार का योगदान माना जाना चाहिए, कुछ हद तक इसमें ईश्वर का आशीर्वाद माना जा सकता है, लेकिन इसमें बिहार सरकार की नौकरी करते शिक्षकों का रत्ती भर भी योगदान नहीं होता। बिहार में जब 2011 में स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ, तभी बिहार के शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई थी। बिहार के विश्वविद्यालयों के स्नातक और परास्नातक तक की तथाकथित पढ़ाई कर चुके लगभग सभी इस परीक्षा में फेल कर गए थे। बिहार के विश्वविद्यालयों से स्नातक और परास्नातक तक की पढ़ाई कर चुके लगभग सभी इस परीक्षा में फेल कर गए थे। भौतिकी यानी फिजिक्स की परीक्षा में केवल 8 पास कर पाए थे। तब से अब तक गंगा में काफी पानी बह चुका है। सिर्फ गंगा में नहीं, कोशी, बागमती, गंडक सभी में से काफी पानी बह चुका है, लेकिन हालात कुछ खास नहीं बदले। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बिहार की करीब 28% आबादी 5 से 14 वर्ष की आयु के बीच की है। इसमें से सिर्फ 5% ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते, यानी कि 95% स्कूल जाते हैं। सन 2015 के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि प्राइमरी से हायर प्राइमरी यानी प्राथमिक से उच्च प्राथमिक की कक्षाओं में 85% बच्चे ही पहुंच पाते हैं, यानी नर्सरी यूकेजी में 95% बच्चे हैं और क्लास 1-2 में 85% बच्चे ही पहुंचे। तो नर्सरी से लेकर के क्लास 1 तक पहुंचने में इतने का फर्क हो जाता है। ये आंकड़ा लगातार कम होता जाता है और सेकेंडरी स्कूल तक पहुंचते पहुंचते इसका सीधा आधा हो जाता है। 2015-16 के बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि पहली कक्षा में भर्ती होने वाले बच्चों में से केवल 38% दसवीं कक्षा से पास होते हैं, बाकी 62 बच्चे कहां गए पता नहीं। शिक्षा में ऐसी गिरावट क्यों है? इसके लिए आप सीधे तौर पर शिक्षकों की कमी और शिक्षा पर सरकार का ध्यान न देना जिम्मेदार बता सकते हैं। कक्षा 1 से लेकर 8 तक प्रति कक्षा जहां छात्रों की गिनती का राष्ट्रीय औसत 27 है, वहीं बिहार में इसके करीब 2 गुने यानी 51 पर था। इसका मतलब साफ है कि बच्चे के लिए स्कूल जितने चाहिए, बच्चों के लिए जितने स्कूल बिहार में होने चाहिए, केवल उसके आधे स्कूल अभी बिहार में हैं। ये गिनती 2012-13 के 65 से घटकर 2015-16 में 51 पर आई थी। लेकिन अगर आज की तारीख की बात करें और 5 साल बाद की तारीख की बात करें, तब भी ये आंकड़ा जो है वो राष्ट्रीय औसत के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 2011 के जनगणना के आंकड़ों में जब शिक्षितों का औसत देश भर में 74% था, तो उस समय बिहार आकर यह आंकड़ा 64.8% पर ठहर जाता है।
2015 के ही आसपास अगर प्रति छात्र खर्च का आंकड़ा देखें तो इसका कारण और स्पष्ट हो जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालयों यानी सेंट्रल स्कूल में 2015 में प्रति छात्र 27,723 रुपए खर्च हो रहे थे, 27,723 रुपए। बिहार में इसका कितना खर्च होता होगा? इसका आधा, इसका एक चौथाई? जी नहीं, बिहार में यह आंकड़ा 5,298 रुपए था, 5,298 रुपए था। यानी 5 से जब आप गुणा करेंगे तो फिर जाकर के कहीं आप राष्ट्रीय औसत जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का था, सॉरी केंद्रीय विद्यालय का था, उसके आसपास पहुंचेंगे। आप किस पक्ष से बात कर रहे हैं उस पर निर्भर है कि शिक्षा व्यवस्था की ऐसी दुर्दशा के लिए आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे। अगर आप शिक्षकों से पूछेंगे तो वो कहते हैं कि आप अपने घर में 50 लोगों को अगर किसी दावत में आमंत्रित करते हैं, खाने पीने पर बुलाते हैं, तब भी तो आपको काम से छुट्टी लेनी पड़ती है ना। आप हमसे अपेक्षा कर रहे हैं कि हर रोज मिड डे मील में 100, 200 या 500 बच्चों का भोजन का प्रबंध करें और उसको और भोजन की व्यवस्था सुचारू रखते हुए उतने ही समय में पढ़ा भी लें, तो यह कैसे संभव है? सुबह जो शिक्षक इलाके को खुले में शौच से मुक्त कराने निकला है वो स्कूल आकर पढ़ा भी लेगा, यह कितना संभव लगता है? मतदान की पंचायती से शुरू होकर लोकसभा तक की चुनावी व्यवस्था हो या जनगणना, काम उसमें शिक्षक ही करेगा, मगर पढ़ाई बंद ना हो, यह कितना संभव है? राजनीतिज्ञों को अक्सर अपने वोट बैंक से मतलब होता है। 5 से 14 साल के बच्चे मतदान तो करेंगे नहीं, तो भला इस 28% आबादी की परवाह ही क्यों की जाए? बहुत कम करके भी अगर आंका जाए तो बिहार में सिर्फ सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्तर पर कम से कम 18,000 शिक्षकों की जरूरत है। शिक्षक जब नौकरी मांगने जाते हैं तब क्या होता है? अभी हाल में ही आपने देखा है पटना में दनादन लाठियां बरसाई जा रही थी शिक्षकों की भर्ती के लिए आए नौजवानों पर। तो जब दनादन लाठियां बरसाने के बाद सरकार बहादुर के एक बड़े नेता ललन सिंह से पूछा गया कि ये पिटाई क्यों हो गई भैया छात्रों की, नौकरी मांगने आए थे, तो उनका जवाब था कि भैया कब नहीं होता, आंदोलन करोगे तो पिटोगे ही। अच्छा जवाब। विभागीय अधिकारी जो हैं वो बताते हैं कि बेरोजगार इंजीनियरों को शिक्षक के रूप में बहाल करने पर विचार किया जा रहा है। अब ये बेरोजगार इंजीनियर बिहार में कहां से आएंगे ये हमें पता नहीं। खैर, अखबारों की माने तो अधिकारी अभी तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिणी राज्यों से शिक्षा का जो मॉडल है उसका अध्ययन भी कर रहे हैं। समस्या सिर्फ शिक्षकों की गिनती, स्कूल की हालत जैसी चीजों तक सीमित हो। अगर वर्ष 2018 में बिहार में जो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल थे उनके करीब 1,12,000 छात्र छात्राओं ने जो परीक्षा पास की थी उनकी गिनती देखें तो उसमें से 32,000 ऐसे थे जो 90% से ऊपर अंक लेकर के आए। आईसीएसई बोर्ड के स्कूल बिहार में काफी कम है तो भी इनके जो करीब 2,000 छात्र थे उसमें से लगभग 900 जो थे वो 90% के लक्ष्य को पार कर गए। बिहार बोर्ड के छात्रों को भी नंबर ज्यादा आए इसके लिए प्रश्नों का तरीका बदलकर सीबीएसई बोर्ड जैसा करने का प्रयास किया गया था। तो अब क्या होता है कि 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इसमें अंक कम होने की कोई संभावना नहीं होती, या तो पूरे नंबर आएंगे या सीधा जीरो आएगा। इसके बाद भी एनईईटी की यानी नीट की जो टॉपर थी कल्पना कुमारी उसको प्रतियोगिता में 99% से अधिक नंबर आए। जब बिहार के शिक्षकों की बारी आई तो बिहार के शिक्षक उसे बोर्ड की परीक्षाओं में 86.8% नंबर दे पाए थे। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के बोर्ड से 14,000 छात्र ऐसे थे जो 90% से ज्यादा अंक लेकर आए थे। मध्य प्रदेश के बोर्ड से 7,000 छात्र ऐसे थे जो 90% से ऊपर नंबर लेकर आए थे। ऐसे में बिहार बोर्ड का छात्र जब सेंट स्टीफेंस में दाखिला लेने की कोशिश करेगा तो क्या मिलेगा उसे? बाबा जी का ठुल्लू। जिन छात्रों को साइकिल देकर स्कूल और शिक्षा का सपना दिखाया जा रहा है, मुख्यमंत्री महोदय
हर बार करते हैं, मतलब कोई भी आयोजन हो उसमें साइकिल दिलाने की बात जरूर करते हैं। तो भैया साइकिल दिला के आपने सपना तो दिखा दिया, लेकिन कितने तक सपना देखना है ये भी आपने फिक्स कर रखा है क्या? मतलब LSR या मिरांडा हाउस जैसे कॉलेज का सपना ये लड़कियां देखेंगी बिहार की या नहीं देखेंगी, तय कर लीजिए। मतलब दिल्ली पहले भी दूर थी, समाजवाद ने तो लगता है धकेल के उसे और भी दूर पहुंचा दिया है। जेपी आंदोलन और उससे जन्मे तथाकथित नायकों ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था की ऐसी दुर्दशा की है कि पिछले 50 वर्षों में बिहार से निकले लोग IAS बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन उन्होंने पलट कर बिहार की तरफ देखा तक नहीं। उदाहरणों की बात मत कीजिए, वेदांता ग्रुप का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा ग्रुप है, वो बिहार के ही एक व्यक्ति की कंपनी है, मगर उस व्यक्ति ने बिहार में क्या इंडस्ट्री लगाई है? वेदांता ग्रुप की बिहार में कौन सी इंडस्ट्री है आप बताइए? कुछ नहीं। वापस मुड़ के वो आदमी एक बार जब बिहार से निकल जाए तो सोचता आह मुक्ति मिल गई, इससे आगे तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, अब लौटना ना पड़े बिहार में किसी तरह से, बस। इन 50 वर्षों में बिहार में क्या हो रहा था उस पर लिखी किताबें तक ढूंढने की कोशिश करके देखिए। इन 50 वर्षों पर लिखी गई 50 ढंग की किताबों का नाम कोई नहीं सुझा पाएगा। क्यों नहीं सुझा पाएगा, इस पर हमें इतना भरोसा इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में बिहार में 500 से अधिक पुस्तकालय भी बंद हो चुके हैं। जहां पुस्तकालय ही नहीं है वहां किससे पूछ के किताबों के नाम बताएंगे? कहां से देखकर लिस्ट बनाएंगे किताबों की? पलायन का जो दंश है वो आधा बिहार बाढ़ की वजह से झेलता है, पलायन का ही दंश आधा बिहार सुखाड़ की वजह से झेलता है, पूरा बिहार भूकंप का असर भी झेलता है। क्या नहीं करना चाहिए ये अगर सीखना हो तो बिहार सबसे अच्छी जगह हो, बिहार सबसे अच्छी जगह है। समाजवाद नाम के कोढ़ से श्रापित इस राज्य को गौर से देखिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए वो तो आप जरूर सीख जाएंगे। धन्यवाद।